खुशकिस्मी हो रही है। ये भैया सुनो, आप मेरे नोट पकड़ो, ठीक है, फिर मेरे को हफ्ता देना, ठीक है यार। इस चमड़े की चप्पल से इतनी गंदी मुश्क, भैया आपको मुश्क नहीं आती यार? दैट मैस्कुलिन अर्ज तुम्हारी स्वीटी व्हेन यू सी अ हॉट लड़की को लड़की दिखा यार की थी, मतलब इस लड़की का दिमाग इतना खराब है। मैंने उसको बोला 800 पे कर, वहां पे 1000 पे कर रही है। उतने ही भैया, आप ये 2000 पे। कितनी वाहियात बना रही है यार, तो ससुराल जाके क्या करेगी है? ये नाम बदनाम कराएगी मेरा पत्नी। आटा ढीला हो गया, आटा ढीला, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। तो हम यार आज कितनी गंदी बनाई है यार तूने यार। चलिए वाली अच्छी बनाते हैं यार, तू रहने में अपने लिए खुद यार, बहुत ढीला है, मैं अपने लिए खुद बना लूंगी यार। नहीं नहीं, तू नहीं बना सकती इतना ढीला, हैंडल नहीं कर सकते इतना ढीला। हाय देखने, ये क्या आटा गूंदा, ये क्या है, व्हाट इज दिस? तू पागल तो नहीं होगी? मस्त आटा, इतना मस्त आटा, डंगर। ये देखना क्या बनाया है, क्या है इसमें, क्या खराबी है इसमें? एक बेलन देखा, ये कौन सा इंग्लिश बेलन है तेरा? बेलन होता है मोटा। ये मूली की परांठी का मसाला मैंने तैयार किया है, राजू बना रही है परांठा और मैं सेकूंगी। इतना ज्यादा मत डाल मसाला यार, यार मैं तो बहुत ज्यादा डालती हूँ। लेट मी लिव माय लाइफ। मेरे को खान देना यार, खान दे, मरन दे मेरी। राजू को कुछ नहीं आते, क्या बनाया है? पहले तो साइड से थोड़ा सा छोड़ती हूँ उसका। राजू आई एम अ प्रोफेशनल कुक, यू नो, यू डोंट नो। तूने आधा मसाला तो तूने इसके, तू अपनी सास की गालियां खाएगी कल को। परांठा नहीं बनाना आता तो आज मेरी सास मुझे बना के खिलाएगी ना। तेरी सास तेरे को बना जूते। हाजी क्या बनाया तूने, फट गई परांठी यार, ऐसे करके पटकते हैं उसको। मैं इतनी शानदार बनाती हूँ ना उसको ना, तू यहाँ से बाहर फेंकेगी ना, तू भी नहीं फटने वाली, डंगर। खाई भी नहीं जाती हो ये तेरा काम है, ये तू खाएगी। अब तू मेरी परांठी ले। You can't be a perfect granny, Raji. No. How to be a granny part 2. उधर भी देखना होता है उसको। उसको तू खाएगी तो तू ही देखेगी। यार जी क्या आटा गूंदा तूने यार? यार ढीला हो गया यार, इतना ग्लास है यहाँ पे, डायरेक्ट पानी डालना पड़ता है। मैं भी डायरेक्ट डालती हूँ, डायरेक्ट क्या आपके को यहाँ मैं पाइप लगा दूँ मैं। Look at this now, हाँ? मेरे वाले में इसमें में क्या फर्क है? मेरे वाले में बस एक सुराग ही था। अब तू देखना मेरा फटता है कि नहीं फटता। तूने अब आटा सख्त कर लिया ना यार, तू बड़ा अच्छा बनाती है। तेरे को इस बेलन की आदत होगी ना, मैंने इतना पतला बेलन कभी चलाया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। पहला एक तो तूने चपाती बनाने दी मेरे को, पांच छह बनाने देती तो मेरे को थोड़ा हाथ बैठ। पांच छह चपाती बनाती है, फिर मैं जाके कुत्तों को खिलाती है। उसको देख यार, गया। ओह माय गॉड, राजी पता क्या, ये क्या बात, पता फटा कैसे, तेरा कैसे फट गया? आटा नहीं ठीक हो सकता, बहुत अच्छा आटा है, पूरी दुनिया को पता चल सकता है बहुत अच्छा आटा है। वो तो मैंने थोड़ा ठीक किया ना, तूने तो ठीक किया, ये क्या है, ये कितना ढीला आटा है, कितना ढीला आटा फट रहा है। ओह माय गॉड, लेफ्ट प्रोफेशनल, ओके प्रोफेशनल, वाओ, यू आर अ परफेक्ट ग्रैंड। आई नो आई एम अ परफेक्ट ग्रैंड, रिश्ते भेजो प्लीज, हम रिजेक्ट करेंगे। ये देखो मैंने आधी, एक फुलके के आधी परांठी बनाई है, ऐसे आप बना के खा सकते हो अगर आप ज्यादा फुलके दिखाते। वेलकम टू अनु पापा'स किचन। ये बस तो ईशु की परांठी है और ये मेरी परांठी है। तो ब्रेकफास्ट के बाद ये मेरा डेजर्ट है, गुड़ और दही। तू ग्रैनी बनेगी? नहीं बन सकती तू, ये तभी तभी जब तेरी सास ना तेरे घर से बाहर निकालते जूते मार मार के। क्या किया ये, क्या किया ये, क्या किया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इसमें कौन हल्दी डालता है दही के डब्बे में? इसमें ही डालते हैं। मम्मा ने लिखा, मम्मा का हैंडराइटिंग। तो राजू द मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप कर रही है और एक आंख में लाइनर लग चुका है और दूसरी आंख में लाइनर नहीं लगाया जा रहा। लगाया नहीं जा रहा। तो आप बंद कर ले। मतलब और मेरे को टेंशन हो रही है, मेरे को आंख बंद नहीं की जा रही यार, मेरे को ऐसे 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 हो रही है। लगा घी क्या कर रही है? अच्छा सामने देख, इधर देख, इधर नीचे देख, आंख के बीच में देखती रह। नहीं नहीं डालूंगी, थोड़ी सी नीचे और लेकिन आराम से आंख मत कुछ कर, आंख को कुछ मत कर। एक सेकंड यार, आंखों में पानी आ रहा है, बंद कर दे तू। बंद करके फिर ये जो तू वाइब्रेशन तूने ऑन की हुई है उसे मैंने कितनी हुई लगाया। यार तो हम लाइनर लगा के आते हैं, ठीक है, साल हो चुका है लाइनर लगाते हुए, IBS भी मेरा ठीक हो गया। बस करना भाई, क्या लाइनर पे बैठ के तुझे सरोजनी मार्केट जाना है? मेट्रो रूट बना रही है पूरा। तुझे
पता है सरोजनी का रास्ता लाइनर देना ये बहुत बेकार नाचना जाने आंगन भी टक्का तो बावरी पागल मेरा आगे से देखिए ध्यान से चलो मैंने इसको बोला कि मेरे को बोला लाइनर लगा मैंने इसको बोला कि मेरे को बोला लाइनर लगा जो लड़की ने ट्रांसलेशन करती है ओ माय हस्बैंड इज योर हस्बैंड इज गे ये मुंदरी पहनी है और मैं कैसी लग रही हूँ माय गॉड मुंदरी पहन के मैं सुंदरी मुंदरी लग रही हूँ हाय गाइस तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने सरोजनी मार्केट में और ये मेरी बहन है छोटी आपको पता ही होगा इसका नाम है अपर्णा प्लीज इसे प्यार दीजिए बहुत बहुत सारा तो चलिए बढ़िया ही ब्लॉगर बन रही है तो आज हम बोला चैलेंज वीडियो करेंगे जो होती है ना कि मतलब 300-400 रुपए में पूरी आउटफिट होगी इन्फ्लुएंसर लड़कियां करती हैं जिनके पास दिमाग है अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पास दिमाग तो है नहीं तो इसलिए मैं अपनी बहन को लेकर जा रही हूँ तो अभी हम वीडियो कर सकते हैं बोली चैलेंज वाली क्योंकि ये आउटफिट ढूंढ के देगी और हाँ वीडियो बन जाएगी मतलब कितने में 200, 300, 400, 500 कितने में आउटफिट हो जाएगी पूरी हम देखेंगे पहले हम सामान ले लेंगे उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि कितने का सामान आया फिर हम टाइटल थंबनेल में वही डाल दूंगी कि 400 रुपए की आउटफिट या 200 रुपए की या 300 रुपए की या जो भी क्यों तुमने सबको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कोई मेरा कार्ड मिलता है तो आपको पैसे कैसे निकालें मेरे कार्ड में तो उस पहले कार्ड डालना बीच में पिन में आपको बता देती हूँ ठीक है याद रखना कैश विड्रॉ करना है फिर आपको डालनी है अमाउंट फिर आपको डालना है पिन देख लो आप क्या सा पिन है मेरा पिन नहीं है जरा क्या था मेरा पिन यार मोमेंट ऑफ साइलेंस दिखाता नहीं हमने ऑटो किए हैं बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला तो अब हम जा रहे हैं सीधे सरोजनी मार्केट सोचा था मेट्रो स्टेशन से जाएंगे पर अंधेरा होने वाला है यार वीडियो नहीं बनने वाली तक पहुंच गए सरोजनी मार्केट राजू को दिखाऊंगी राजू खुश हो जाएगी आर यू हैप्पी आर यू एक्साइटेड यस आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड खुश कितनी हो रही है मोमोज खिला दे तो भाई मोमोज कैसा लगा मार्केट मार्केट तो अभी मैंने देखा ही नहीं है मुझे देखने दे खुश कितनी लड़कियां यार लड़कियां सरोजनी मार्केट आके खुश कितनी हो जाती है यार यार मैं पहली बार देख रही हूँ ये सब अच्छा क्या 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 नाइट सूट रिपीट सूट राजी का दिमाग खराब हो चुका है ये 550 से कम की नहीं मिलती मैं जब पहली बार आई थी तो मेरा रिएक्शन भी यही था पर मेरे को शॉपिंग करनी नहीं आती सच बताऊँ मैं कबाड़ उठा के जाती हूँ ये शॉर्ट्स और टॉप शॉर्ट्स हैं ले ले तू मैं क्या करूँगी यार अच्छी लगी मेरे गर्मियों में पहनना मेरे अच्छी लगेगी मैं कुपोषित लगती हूँ ना लोग बोलते हैं कि आपकी कुकड़ी वाली टांगे हैं उनको क्या पता कि मेरे को IBS है और मुक्का मारना कौन सा कलर अच्छा है ये ब्लू अच्छा है और देखना मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई हमने कैसा डाली यार हमने भी मेरी होनी चाहिए ठीक है ना तू ढूंढ के दे यार मेरे को बिल्कुल सेंस नहीं है इज इट ऑफ माई साइज हाँ कलर कुछ वो नहीं है कलर मुझे अच्छा लगा भाई अच्छा है कलर प्लीज कमेंट करके बताओ ये अच्छा है मैं वापस आऊंगी लेने वापस कर लग जा रहा है जस्ट किडिंग यार अजी तो देख मेरी बेगम की शॉपिंग ना पूरी हुई नो बार्गेनिंग ये बार्गेनिंग कर सकते बार्गेनिंग करते हैं ठीक है ट्राई करते हैं ट्राई मत करो मैं ट्राई नहीं करें कितने का है भैया टोटल कितने का 600 सिक्स रुपीज दूंगी अरे 6 पैसे दे दो बहुत छह पैसे दे दो जगह ₹6 एक-एक के सिक्के चाहिए एक-एक के सिक्के हैं जरा 6 सिक्के के किले सिक्के नहीं चाहिए कागज का नोट चाहिए ₹150 देगा भैया हंस रहे उनका रिएक्शन भी दिखाना हफ्ते वाले दिन चैनल आपको सब्सक्राइब भैया भैया सुनो आप वरना देना मेरे नोट पकड़ो ठीक है फिर मेरे को हफ्ता देना ठीक है बोलो 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 मैडम आपको हफ्ता अरे भैया हफ्ता देना अरे भैया 1000 रुपये हफ्ता निकालो भैया 5 लाख चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम भैया 1000 रुपये हफ्ता नहीं निकाला ना बना के आओ भैया मेरे कपड़े खुले डाले आपको मेरा डोला दिख नहीं रहा बॉडी जोड़ी बनाई है भैया बोलते हैं बॉडी जोड़ी बना के आओ फिर हफ्ता मांगना दैट फेमिनिन फेमिनिन या फिर फेमिनाइन फेमिनिन फेमिनिन दैट फेमिनिन अर्ज टू परचेज ऑल द ज्वेलरी ज्वेलरी पता नहीं यार दैट फेमिनिन अर्ज फेमिनिन फेमिनाइन मैं बोल देती हूँ
that feminine urge to buy all the jewelry you see. Good यार, wow यार, ये अंग्रेजी कितनी अच्छी है यार, हम तो एक ही स्कूल में पढ़े, घर में अनपढ़ और तू इंटेलिजेंट कैसे? You take copy and I take copy and we will learn the lesson. किसी को कुछ नहीं पता चलेगा इसके बारे में, बाद में बताएंगे हम आपको. यार इस चमड़े की चप्पल से इतनी गंदी मुश्क, भाई आपको मुश्क नहीं आती? इससे स्मेल नहीं, रबड़ रबड़ है ये. हां भैया, इससे स्मेल नहीं आती? ये रबर का स्मेल कहां से आएगा? स्मेल नहीं आ रही? हां कहते आप अच्छे से वीडियो बना लो. मैं अच्छे से बना रही हूं भैया, यूट्यूब में डालते हैं. हां भैया, राजू मैं कोई लूं? कितने वाले हो? कुत्ता नहीं, अर्जी सुनते पहले, खाने से पहले. स्मेल आ रही है ना, यही वाला स्मेल आ रही है ना यार दैट मैस्कुलिन, दे आर दैट मैस्कुलिन अर्ज. वो हो गया. हां क्या? मैस्कुलिन नहीं, मैस्कुलिन यार, दैट मैस्कुलिन अर्ज टू मारिंग स्वीटी व्हेन यू सी अ हॉट लड़की. बहुत ज्यादा लड़की दिखाई यार, कितनी हॉट है. मेरे को लगा मैं स्वीटी मारूंगी, थप्पड़ मार देगी, है ना? नहीं यार, नहीं मार सकती यार स्वीटी. पर वो जो होता है चिकनी लड़कियों को देख के सिटी मारने का दिल करता है, वो मैं समझ सकती हूँ मेरे भाइयों. तो मैंने बड़ी मुशक्कत के बाद अपना साइज ढूंढा एक स्कर्ट में. ये स्कर्ट लेंगे और ऊपर कुछ शर्ट ढूंढेंगे और नीचे पता नहीं बलून बाजू वाली कोई वाइट. भैया कितने की लगाओगे? बार्गेनिंग करते हैं, वो कैसी है जो पहले देखी थी? जी लंबी हो गई. ये बार्गेनिंग करने का तरीका है ताकि अगले बंदे को थोड़ा खौफ ज्यादा हो कि यार मैं तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ. भैया कम करो, आपका है इतना. हाँ? आपको हो तो 10,000 दे देंगे. 10,000 दोगे? आप बोलो. हाँ सुनो, इतना से इतना आप पैसे डालोगे आएगी नहीं भैया? आ जाएगी. आप 10,000 निकालो, मैं आपको पहन के दिखा दूंगी. आप इतनी ला के दो, मैं पहन के दिखा दूंगी. इतनी कमर ला के दो, पहन के दिखाऊंगी. आई बी एस है मेरे को. नहीं भैया छोड़ो यार, नहीं हमने कुछ, राजी ने अपने लिए टॉप वगैरह लिए, लेकिन भैया पोज मार रहे हैं. दुकान नंबर क्या है? 4 नंबर है. यहाँ पे अगर आपको पार्टी शार्टी वाले कपड़े लेने ना ऐसे चमकदार, तो आप ले सकते हो. ये जबरदस्ती दे रहे डिस्को पार्टी. भैया पैसे तो आपने काटे नहीं, प्रमोशन करा रहे हो आप. पता है कितने सब्सक्राइबर है मेरे? 8.5 लाख. हाँ चलो दुकान तो अपनी आधी. प्रॉफिट 200 ले लो. नहीं नहीं भैया, चाहिए नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए. यार लाई तो मैं राजू को थी शॉपिंग के लिए, किसको दिमाग है. लेकिन ये भी मैंने खुद चुनी और वो जो स्कर्ट थी वो भी मैंने खुद चुनी. राजू मैं समझदार हूँ ना यार, सारा कुछ तूने खुद ही चूज किया. फिर बस बार्गेनिंग करने का बड़ा सही तरीका, मतलब मेरा उसका इन्वेंट किया मैंने कि अंकल बोलेंगे 250 का, मैं बोलूंगा 250 का. जितना लंबा करोगे ना उतना अगला बंदा डर जाएगा. भैया आपने कुछ सुना तो नहीं? जैसे सुना मैंने, मेरी चाल बदल गई. भैया कितने का जी? कितने गए? 250 भैया. 250 नहीं, फेंको यार, नहीं चाहिए. ओए पागल, और कपड़े को इतनी दूर फेंक दो कि हमको चाहिए नहीं हमको. हाँ फिर वो बंदा उठा के आपको दुकान से बाहर आ गया. भैया ये वाले कितने के? 100 का ही दोगे? 100 का ही होता है, यहाँ पे काम नहीं करा मेरा. साथ में चश्मा भी देख लेते हैं. ये कौन है? ये आउटफिट के साथ नहीं जाएगी. मेरी बेगम की शॉपिंग न पूरी हुई. भैया भैया भैया, वो मीम आती है ना इंस्टाग्राम पे, साउथ दिल्ली की लड़कियां बोलती हैं भैया. तो वो लड़की मेरी आज पहले देख ली. भैया गोला है क्या? ओह माय गॉड भैया, गिव मी अ ब्रेक. भैया एक प्लेट डिमसम्स देना. ओहो गवार, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये ले लेती हूँ, पर पेट्रोल पंप में जाके बोलूंगी मेरे को नौकरी दे दो, पेट्रोल भरने वाली, और फिर ये शर्ट पहन के तेल भरूंगी. मुझे क्या पता है पेट्रोल पंप वाली शर्ट है? मीडिया वर्ल्ड, मीडिया वही वाइब आ रही है यार. नहीं आ रही, देखो भाई पेट्रोल वाइब आ रही है. बस वाइब लगा देगी, वाइब की बात हो रही थी. शर्म नहीं आती बार्गेनिंग करते हुए? शर्म आती है. मैं कह रही हूँ बार्गेनिंग क्यों कर रही है भैया? कैसा ऐसे नहीं करना चाहिए भैया. 1100 की बोल रहे हैं तो 800 की क्यों बोल रही है तू? 800 में बोल रही हूँ, 800 की ले रही हूँ. इसने तो वो भी नहीं किया.
इसलिए बोला भैया 800 की देनी है तो दो भैया देख लो, मैं भैया ले रही होती ना मैं आपको 1500 की लेती 1100 की जगह। बहुत अच्छी हूँ यार मैं, पैसे तो मैंने ही देने ना। अच्छा पैसे तो मैंने ही देने, तो भी चलते पैसे मैंने देने भैया देखो बदतमीज। मतलब इस लड़की का दिमाग इतना खराब है, मैंने उसको बोला 800 पे कर, वहाँ पे 1000 पे कर रही है, वो तो नहीं भैया आप ये लो 1000 पे लो। यार ऐसे राजू को सुबह से मेहनत कर रहा है यार, खड़ा ना वहाँ पे सुबह से रोटी खिला चल। यार मैंने तो सोचा था कि 300-400 में पूरी आउटफिट बना दूंगी, पर 300-400 का तो एक चीज़ आई। अब मैं वो थंबनेल टाइटल तो नहीं डाल सकती यार कि 300-400 में पूरी आउटफिट। क्लिकबेट कर लूँ, झूठ बोल दूँ ब्लॉग में कि 100 रुपये का ये है 100 रुपये का वो है, बोल दूँ कि 250 की पूरी आउट। ठीक है यार एडजस्ट कर, यार लोग लड़ते हैं ना उनको मिल जाती है ना। मैं अच्छी इंसान हूँ कुछ ज़्यादा, मैं तो एक्स्ट्रा दे देती हूँ यार, बोल दूँ यार आप सुबह से काम कर रहे हो आप लोग 50-100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। ऐसा नहीं होता यार, मेरी हालत खराब हो गई है तो अब जो मैं वो बनाने वाली थी ना वीडियो, इतने में इतना खरीदा तो अब वो मैं नहीं बना रही। अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताना, मैं शायद एक और नई वीडियो बना दूँ अलग से, तो यार टाइटल थंबनेल कुछ और रख दूंगी या चीटिंग कर दूंगी। बाय। सिनेमैटिक क्या बना रही है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? माना कि मैं प्रोफेशनल कुक हूँ, बहुत घटिया आटा गूंदा रहा है डंगर। एक एक सिनेमैटिक शॉट बना दे, ऐसे और ऐसे करना बिल्ले को। क्या कर रही है आप, इधर करने की कोशिश कर रही हो? इतनी मुश्किल है।